سیکھا خدا کل بھی رضی ہے سیکھا خدا کل بھی رضی ہے عامل کنی بے زر و زبان ہر متمکن ابا اللہ بنا اینا بڑی اینا علین ابا اللہ بنا पाकिस्तान की बात यह है कि अली सतपारे के बारे में उसको कुछ इल्म ही नहीं। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शिमाली अलकजा सिकरदू के नवाही गांव सतपारा से है। मैंने समिट G2 मैंने किया है, समर में मैं अपनी मदद आप जो है वो क्लाइम करूँ माउंटेन को, ना कि आप जाके रस्सी फिक्स करें वो करें पीछे से मैं जाके टॉप करूँ। पहाड़ों के बारे में फर्स्ट टाइम हम आप लोगों को देख रहे हैं, ऐसे एरियाज में बहुत खुशी महसूस हो रही है। Now, just I'm nervous in Pakistan. Why they are not, they are didn't about knows the mountain and mountaineering. Yeah. But I'm in now Bilbao. Wow, I'm very happy. Film festival. Why they are, we see experienced people there. You know, they all people they knows about mountain and mountaineers. You know, they are respect. I'm very very happy. Yeah. This is our dream. You know. They are poor people living in this area, you know. They have no job, no education, no breakers. They are not happy. And children, they are going to school, you know. Wow, they have big problem. But we are summit, me and Alex Chikon in 8,126 meter. That time I am thinking about the children education, you know. We are very happy why now they open the way Nanga Parbat this year. All my friends, they call me Ali, Nanga Parbat is safe, Nanga Parbat is open, you know. Then I say Nanga Parbat is safe, everything is good, but many, many expedition in Nanga Parbat, I am very, very happy. This is my dream, me and Alex dream, complete. Gozatu, aurtengo Mendifil Festivaletaz. Besarkada bat. आगे बढ़ते हैं। सर्द मौसम में मिशन K2 पर जाने वाले पाकिस्तानी कोपैमा अली सतपारा और उनकी गैर मुल्की टीम का कुछ पता न चल सका। 5 रोज गुजर गए, कोपैमाओं की तलाश में कामयाबी हासिल न हो सकी। मुंजमद दर्ज हरारत, तेज हवाओं और धुंध के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन न हो सका। तीनों कोपैमाओं के अहले खाना ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अली सतपारा हमारा कौमी हीरो है और गिलगित बल्तिस्तान का बेटा है और हम फख्र करते हैं अली सतपारा जिसने दुनिया की सेकंड बुलंद तरीन चोटी को पार किया। और ये हमारी बीवी के लिए फख्र की बात है। अव्वल तो चाहिए कि इस तरह के जो हमारे हीरोज होते हैं उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करें। जो अभी जो गवर्नमेंट है इंशाल्लाह हम उनके साथ सीएम के साथ मुलाकात करके बताएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पहले तो इंशाल्लाह वो अगर कि जिंदा होगा, अगर कि उसका कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर इंशाल्लाह उसका बेटा पूरी गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करेगा
क्योंकि ये पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। इस तरह के हीरोज बहुत कम मिलते हैं। जब वो ज़िंदा होते हैं हमारी कौम को उनकी कदर नहीं होती है, जब वो हमसे जुदा होते हैं तो हमें उनकी कदर का महसूस होता है। तो उसके बेटे के लिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, उनकी फैमिली के लिए और ओवरऑल जितने भी हमारे इस तरह के जो हमारे हीरोज हैं उनके लिए अलग एक फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये हमारे कौमी हीरोज हैं, ये हमारी पूरे पाकिस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करते हैं। इस तरह के जो हीरोज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ये उनका हक है। और इस तरह के जो लोग हैं इसकी वजह से हमारी जीबी का नाम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुआ है। अशरफ सिद्दीकी मेरा नाम है और गुज़िश्ता करीबन 30 साल से गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज करगुन में फिजिकल एजुकेशन का उस्ताद हूँ। इस हवाले से मैं एक शख्सियत के बारे में आज नाज़रीन को जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जो इन्हीं फील्ड के बारे में है। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और पूरी कौम अली सतपारा के बारे में बातें कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा कौमी लीडर और मेरे बेटों की तरह, क्योंकि जब 1995 और 96 में डिग्री कॉलेज करदू का स्टूडेंट था उस वक्त से लेकर आज तक, काश मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। और मैं हर वक्त यही सोच रहा था कि अली वापस आएगा इंशाल्लाह, उस वक्त तक मैं भी इस करदू वापस चला जाऊँगा और मैं अपने उस प्यारे शागिर्द से उस तरीके से मिलूंगा जिस तरीके से मैं डिग्री कॉलेज करदू के ग्राउंड में हम लोगों का आपस में आमने सामने होता था। लेकिन अब मेरा दिल टुकड़े हो रहा है उसके बारे में सोचते हुए। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि कोई मौजज़ा दिखा दे और वो सीधा हो और हम उसको दोबारा देख सकें। अली सतपारा को मैं आज से करीबन 25-26 साल पहले जब वो मेरा स्टूडेंट हुआ करता था डिग्री कॉलेज करदू में, तो उस वक्त वो उभरता हुआ नौजवान, बड़ा बोलती आंखों वाला, बड़ा खूबसूरत लहजे वाला और इतना एनर्जेटिक लड़का मेरी पूरी सर्विस में मैंने बहुत कम देखे। आप सबको मालूम है कि कॉलेज में मुख्तलिफ असातिज़ा होते हैं, हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं और लड़के भी लाजमी मजामीन के अलावा ऑप्शनल मजामीन अपनी मर्जी से रखते हैं। तो जो असातिज़ा ऑप्शनल मजामीन पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनका स्टूडेंट के साथ इतना रब नहीं होता। लेकिन चूंकि मेरा सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और स्पोर्ट्स मेरे सब्जेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से कॉलेज के वो लड़के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे करीब हो जाता है और उसकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को निखारने के लिए हम जो कोशिश और स्ट्रगल करते हैं उसमें हमारा भी बहुत किरदार होता है और उस लड़के की ज़ाती कोशिश, मेहनत और लगन से वो बेहतरी की तरफ गामजन हो जाता है। मुझे आज भी याद है अली सतपारा जब फुटबॉल ग्राउंड में होता था और आज भी याद है मुझे अली सतपारा जब वॉलीबॉल ग्राउंड में होता था और बास्केटबॉल ग्राउंड में होता था। आप यकीन करें कि हर ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में मैं जाऊं, मैं हैरान होता था कि अली सतपारा हर ग्राउंड में पहुंचा हुआ है।
बाज दफा मुझे गुस्सा आता था कि अली तू दूसरों को भी खेलने का मौका दो, क्योंकि कॉलेज में हमारे पास बहुत ज्यादा लड़के हैं और हर लड़का खेलने की तरफ यानी कि शौक रखता है ग्राउंड जाने की, को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ। मुझे याद है कि हमारे वॉलीबॉल का फाइनल हो रहा था आज से 25-26 साल पहले। फाइनल में अली सापारा की टीम भी खेल रही थी और उसकी मुखालफत में जो टीम थी सेकंड ईयर की एक और टीम, अली सापारा आपको मैं बता दूं कि वो कि आम लोग जानते हैं कि वो एक अच्छा फुटबॉलर है, बहुत खूबसूरत फुटबॉलर, और उसका कद और वजन फुटबॉल के एक मुताबिक बना है। हम लोगों को ये भी बता दूं कि जिस्म के एतबार से इंसानी जिस्म 3 किस्म के होते हैं, एक्टोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स और एंडोमॉर्फ्स। हम फिजिकल एजुकेशनलिस्ट जो है वो इसको 3 किस्म में इसको ले जाते हैं और उसके बॉडी के हिसाब से हम उनको गेमों की तरफ ले जाते हैं। तो अली बना ही था फुटबॉल के लिए और उस वो जो मेसोमॉर्फ्स जो के लोग होते हैं, गठा जिस्म और लचक थोड़ी सी कम होती है लेकिन बहुत मजबूत गठा हुआ और कद ना बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और ना छोटा होता है, इन्हें हम यानी कि फुटबॉल के लिए बेहतरीन समझते हैं। तो अली को मैंने कहा कि तुम फुटबॉल खेलो और बाकी गेमों की तरफ कम आओ, लेकिन वो कहता था सर मुझे शौक है खेलने का, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो वॉलीबॉल हो चाहे वो बास्केटबॉल हो, इन तीनों गेमों में वो शिरकत करता था। वॉलीबॉल में यहां तक मैं बता दूं कि वो सर्विस करता था, 6 प्लेयर होते एक साइड पे, वो सर्विस करता था, सर्विस के बॉल को सर्विस करने के बाद जब दूसरी तरफ बॉल चली जाती थी और वो गेंद दोबारा इनकी टीम की तरफ आती थी तो अली दोबारा सेंटर में पहुंच जाता था और सेंटर से बॉल को कवर करते हुए अपने नेट वाले के पास स्मैश के लिए वो तैयारी करता था और नेट वाला उसको बना के बॉल देता था और वो खुद सेंटर से भागता हुआ जाके स्मैश भी करता था, यानी बैक वक्त वो 3 खिलाड़ियों की जगह पे खेलता था और उन्होंने जीत भी लिया, कप भी ले लिया। मुझे वो दिन अभी तक यानी कि जब मैं याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है, इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता अब। और फुटबॉल में अली सापारा उसको हम कह सकते थे कि टू पहाड़ की तरह वो खड़ा होता था, सेंटर हाफ की पोजीशन पे वो खेलता था और उसको मैंने काफी यानी कि कोचिंग की ट्रेनिंग कराया। बहुत दफा वो नंगे पैर फुटबॉल खेलता था और मैं उसको कहता था अली जूता पहन के फुटबॉल बूट पहन के, तो हंसता हुआ उसकी आंखें मुस्कुराती थी, बोलते वक्त उसकी आंखें जो है ना मुस्कुराती थी, इतना खूबसूरत खुश मिजाज। तो वो कहता था कि मैं नंगे पैर ही खेलूंगा जूतों से ज्यादा, आप मुझे तजुर्बा करके देख लें। तो बहरहाल वो इसी तरह से खेलता हुआ हमारे कॉलेज से रुखसत हो गया। उसके बाद वो मॉन्ट्रिंग की दुनिया में चला गया, लेकिन इतना अरसा ये करीबन 20-22 साल का अरसा हो गया स्कूल में। मुझसे जब भी मुलाकात होती थी मैं मुझसे मिलते ही वो इसी तरह मिलता था जिस तरह कॉलेज के ग्राउंड में मुझसे मिलता था, इतना मुअद्दब, उस्तादों की कदर करने वाला। और मुझे वो बार बार कहता था सर आज मैं जिस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुंचा इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे वो बार बार कहता था कि आपने मुझे जो एक्सरसाइज करवाया, जो कोचिंग करवाई, जिस प्यार और मोहब्बत से आपने मुझे डिग्री कॉलेज कर्गो में ट्रीट किया, उसका सिला है कि आज मैं पहाड़ों के इन चोटियों के सरों तक पहुंच के मैं वहां भी फुटबॉल खेलने की मेरी ख्वाहिश है। बहुत प्यारा
और दूसरों के टूट कर जाने वाला। ये हर एक किस्से, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, वो कि मेरे साथ कुछ एविएशन ज्यादा थी और मैं बार बार उसको जब भी मिलता था तो मैं कहता था कि मुझे भी ख्वाहिश है पहाड़ों पे चढ़ने का, लेकिन वो बार बार यही कहता था, सर आप कहते हैं करते नहीं, आप आ जाएं, आपके लिए मैं बेस कैंप तक बेहतरीन इंतजाम के साथ आपको ले जाऊं। लेकिन अब मुझे इसी बात की शदीद मुझे मतलब मैं अपने आप को करता हूँ, काश मैं अली के साथ एक सफर कर चुका होता तो आज मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा मालूम दे सकता। ये मैं सिर्फ अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से आप लोगों को बातें आपको पहुंचा रहा हूँ। और उसके बाद कॉलेज मॉनिटरिंग और अली, उसके बाद सोलूस टीम में खेलता रहा, फिर हमारे क्लब की टीम में शाहीन स्पोर्ट्स क्लब की टीम में भी काफ़ी अर्सा वो खेला और हमारे क्लब का एक बेहतरीन फुटबॉलर। और अली जब तक मैदान में हो, चाहे वो हार रहा हो चाहे जीत रहा हो, लोग समझते थे कि अली की टीम जीत जाएगी। और जब हमारी मुखालफत में भी इसने एक दो मैचेस खेले हमारे टीम के, तो पूरी टीम अली को कवर करने के लिए लगी रहती थी, लेकिन अली उनमें से निकलता हुआ बचता हुआ अपने टीम को फतह की तरफ ले जाता, यानी अली एक लाजवाब खिलाड़ी। आज पूरी दुनिया में उसका नाम टीवी पे और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चल रहा है, बहुत सारे इस पे लिख रहे हैं। आखिर में बस मैं मौला अली का एक कॉल नकल करते हुए आगे बढ़ूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, मेरे भी इरादे थे कि मैंने इस्लामाबाद में सर्दियों की छुट्टियों में चूंकि यहाँ मैं गुजारता हूँ, और यकीन करें जब से अली साथ पारा इस मुहिम पे आगे बढ़ा था, मैं रोज़ाना रात को सोचता था कि इंशाल्लाह मार्च में जब मैं इसका घर वापस जाऊंगा और मैं अपने उस हीरो से मिलने के लिए सुंदूस जाऊंगा और किस तरीके से उससे मुलाकात करूंगा, वो मेरे जहन में वो प्रोग्राम बनता जा रहा था। लेकिन अफसोस वही वाली बात है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, उसकी मर्जी, हम बहसीत इंसान हमारी कोई हैसियत नहीं, हम बहुत कुछ सोचते हैं करने की कोशिश करते हैं लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहसीत इंसान हमारी कोई हैसियत नहीं है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली सतपारा को बहुत पहले से जानता हूँ, अगरचि उनका ताल्लुक सतपारा गांव से है, उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक सतपारा गांव से है, लेकिन वो खुद तो मेरे गांव सुंदूस में पले बढ़े हैं, वहीं रहाइश पजीर रहे हैं। मैंने उस वक्त से मैं उनको जानता हूँ जब उनके वालिद सतपारा छोड़ के हमारे गांव में रहाइश पजीर हुए। वो सुंदूस टीम के खिलाड़ी भी रहे, बहुत अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी थे, बचपन से ही उनकी तबीयत मुहिम जी की तरफ थी और यही मुहिम जी बाद में उनको पहाड़ों का शहजादा बनाया। ये मुझे फख्र हासिल है, अली सतपारा न सिर्फ बल्तिस्तान, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं जिन्होंने अब तक 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंद दुनिया की जो चोटियां हैं, 14 चोटियां, उनमें से 8 चोटियों को अली सतपारा ने सर किया है और ये भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है।
कि एक साल के अंदर उन्होंने चार चोटियां सर की थी। जिन चोटियों को उन्होंने सर किया है उनमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू है, नंगा पर्वत है, गशाब्रम टू है, पंक्टिक है, ब्रॉड पीक है और चंद चोटियाँ नेपाल में भी है। और इस साल उन्होंने केटू को दोबारा बगैर ऑक्सीजन के विंटर समिट करने का जो अजम किया था, अभी हमें इंतहाई अफसोस है 5 फरवरी से मोहम्मद अली सतपारा मिसिंग है। हमें उनकी कारकर्दगी पर, उनकी मुहिम जोई पर और उनके अज़्म व हौसले पर फख्र है। वो पहाड़ों के शहजादा हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं और मरूफ कोहपेमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस शख्सियत के बारे में ये मैं बोलने जा रही हूँ वो मेरे हिसाब से माउंटेनियरिंग में हीरो है पूरे दुनिया का, क्योंकि उसने इतने माउंटेंस पे वो गया और विदाउट ऑक्सीजन वो जाता रहा और अभी जो उसने अटेम्प्ट किया है ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बारे में कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, तो मैं उन सब से ये अपील करूंगी, खसूसन जीबीएन जितने हमारे हैं, कि हमेशा लोगों के बारे में जो ऐसे नेशनल हीरोज़ होते हैं उनके बारे में आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव बातें करें। हम लोग एक जीबीएन कौम हैं, हम हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान ये सब अलग नहीं है, तो वो हम सब का हीरो है। और अभी तक तो क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुई है जब ये इंटरव्यू हो रहे हैं, तो अल्लाह करे कि कोई मुआवजा हो और हम उसको वापस देखें। और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो मैं सल्यूट करती हूँ पाकिस्तान आर्मी को कि जिस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ज़रूरत पड़ी, आप पूरे पाकिस्तान में भी कह लें तो आप लोग हमेशा आए। और आप लोग जिस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं अपने जानों के को इतने मुश्किलात में डाल के, हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट्स वगैरह उन्होंने जिस तरह इतने हाइट्स पे गए, तो हाईएस्ट लेवल पर वो लोग गए, तो उनका भी शुक्रिया। और अभी आज लास्ट डे है शायद गालिबन उसका, C-130 का जाएगा और स्पेशल कैमराज और गैजेट्स के साथ, अल्लाह करे वो सही सलामत हो और हम उसको वापस देखें। मैं लेकिन एक फ्यूचर विजन देना चाहती हूँ अली सतपारा के हवाले से, क्योंकि उसके जो गाने हैं जो उसने हमेशा उसकी जो क्लिप्स मैंने सुने वो माउंटेंस पे ही बुला रहे हैं लोगों को कि आप पहाड़ों पे आएं और इस तरह, तो वो पहाड़ पे ही बैठ के ये गाने गाता रहा है, पहाड़ पे ही वो डांस करता रहा है, उसकी ज़िंदगी पहाड़ पे गुजरी है। उसके गाने में एक क्लिप है जिसमें उसने वो बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है कि जी हम जब पहाड़ों पे जाते हैं और हमें छोटी सी ज़मीन नज़र आती है जहाँ हम बैठ सकें, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम F6 में ज़मीन मिल गई है। तो खुदा करे कि हमारे जो गवर्नमेंट है और जो हमारे PM है उनके बच्चों को वो इस्लामाबाद में कोई ज़मीन या कोई घर दें, ताकि वो भी उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकें, आगे बढ़ सकें। और ये बड़ा हार्ट टचिंग मोमेंट है सबके लिए, क्योंकि मैं एक माँ होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ जब से ये वाक़या हुआ है, और मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। और मुझे पता चला है कि उसकी बेगम को अभी तक वाइफ को नहीं बताया गया है, अल्लाह करे उसको कोई खुशखबरी मिले, क्योंकि उसकी उसका तो सब कुछ वही था और वही कमा के लाता था वो सब कुछ, तो उस इन बच्चों को मॉनेटरी हेल्प भी देनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट, गिलगित के CM और गिलगित के जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं उनको उनके घर जाना चाहिए और उनको स्पेशल असिस्टेंस देनी चाहिए और उनको ग्रांट्स देने चाहिए और उनके बच्चों की एजुकेशन हर चीज़ फ्री करनी चाहिए। तो ये मेरी अपील है और इससे आगे मैं बोल नहीं सकूँगी, बड़ी माज़रत, मुझे आप अगर इजाज़त दे दें तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान और फ़क्र गिलगित बल्तिस्तान,
अली सतपारा जो है उसने गिलगित बल्तिस्तान का और खासकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जो रोशन किया है, हमें उन पे और उसके फैमिली जो दिगर मेम्बरान हैं उन सब पे फ़ख्र है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने नाम जो है ता हयात जिंदा रखते हैं। और अली सतपारा का शुमार जो है उन्हीं लोगों में होता है। और इंशाअल्लाह रहमान और हम दुआगो हैं कि खुदा के हाँ कोई वो नहीं है कि अगर अली सतपारा जो है इतने दिनों से लापता हैं तो इन मुमकिन है कि वो खैरियत से अपने घर पहुँचे। उसके लिए हम और पूरी कौम जो है दुआगो हैं। इन केस बाकी कुल नफ्सन ज़ायकतुल मौत, हर बंदे ने मौत का मज़ा चखना है। तो अगर ऐसे लोग जो इस किस्म के अचीवमेंट में कामयाब होते हैं और अपना नाम जो है उसको ता हयात जो है वो जिंदा रख लेते हैं, तो हम उनके खानदान वालों के इस करप में बराबर के हम शरीक भी हैं। और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको जो है इस करप को सहने की हिम्मत बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहम्मद अली सतपारा गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। उन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम K2 की बुलंदी पर लहराने के लिए तमाम मुश्किलात से वो नबरदाजमा होते हुए इस वक्त जो है वो लापता है। और पूरी कौम जो है वो मुंतज़िर हैं और दुआओं में हैं कि वो वापस आएँ। जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के लिए और गिलगित बल्तिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, वो 27 के मुस्तहिक हैं। और हम उनको अपना खराज तहसीन और सलाम अकीदत पेश करें। अली सतपारा का ख़ानदान इन दिनों जिस कर्ब से गुजर रहा है और जिस कैफियत से गुजर रहे हैं उसमें पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान की कौम और पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लोग उनके इस कर्ब में उनके साथ शरीक हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह पूरी कौम इस वक्त दुआ में है, दुआएं कर रही हैं कि वो खैरियत से घर वापस आ जाएं। अगर वो नहीं भी आते हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो वापस घर ना भी आएं, तो वो पूरी कौम के दिलों में ज़िंदा हैं, पूरे पाकिस्तान के हर मर्द जन और जवान के दिल में वो ज़िंदा हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने इस मुल्क के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दुनिया भर में हमारे सब्ज़ हिलाली परचम को K2 की सरबुलंदी पर लगाने के लिए जो अटैम्प्ट की थी उसके लिए सलाम अकीदत है पूरी कौम की जानिब से। और खराज तहसीन पेश करते हैं उनके खानवादे को जिन्होंने उनका साथ दिया, उनकी हिम्मत बांधी, उनको भी वो भी 27 के मुस्तहिक हैं। और हमारी दुआ है कि अली सतपारा जो हैं वो जल्द अज जल्द अपने घर वालों के साथ दोबारा से अपनी हस्ती बस्ती ज़िंदगी गुजार पाएँ। पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त एक गुनगुन की सूरत हाल में मुबतला है। हमारे एक माउंटेनियर, हमारा फ़ख्र अली सतपारा काफ़ी दिनों से लापता हैं और उनके रिसर्च ऑपरेशन जारी है। हम पाक फौज से अपील करते हैं कि वो ऑपरेशन जारी रखें और उनकी तलाश में जितना हो सकता है अपनी सर्च ऑपरेशन जारी रखें। अली सतपारा हमारा फ़ख्र हैं, वो हमारे दिलों में अभी भी पूरी कौम एक मुजज़े की मुंतज़िर है। और हमें अल्लाह ताला से भरपूर उम्मीद है कि वो इस वक्त हयात होंगे और पूरी कौम उनको ज़िंदा देखने के लिए बेताब बैठी हुई है। और हम उनके खानवादे के जो इस वक्त करब और जिस कैफियत में मुब्तला हैं, हम उनके साथ बराबर शरीक हैं। पूरी गिलगित बल्तिस्तान की कौम उनकी शाना बशाना खड़ी है। इस तरह उनके खानवादा इस वक्त तकलीफ़ से गुजर रहा है, बिल्कुल इसी तरह हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इस वक्त हयात होंगे और बहुत जल्द हमारे दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अली सतपारा हमारा फ़ख्र है। अली सतपारा ने बहादुरी की एक मिसाल कायम की है और माउंटेनियरिंग करने वाले लोगों के लिए ये एक मिसाल है, एक आज़म है। और जिस अंदाज में विंटर समिट पे हो गए और बार बार अटम्प्ट किया, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो खैरियत से लौटे। बहरहाल जैसी भी सूरत होगी, अली अमर हो गए और गिलगित बल्तिस्तान का ये बहादुर सपोर्ट इंशाल्लाह इसको हम याद रखेंगे। ये तारीख से मैं ये हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और माउंटेनियरिंग करने वाले लोगों के लिए ये हौसला मिलेगा उनको अली की वजह से। और उनके साहबजादे हैं हसन सतपारा,
उनसे भी हम हमारी अटैक दिन उनके साथ है, सारी हौसला रखें और उनके वालिद का रिश्ता आज़म है, इसी आज़म के साथ हम से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि अली की तरह वो भी गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करें, जिस जज्बे के साथ अभी इस मॉन्टेनेरिंग में एक नाम था, अपने वालिद से भी आगे बढ़कर हम के लिए हमारी दुआएं भी हैं। तो अभी अमर हो गया हमारे हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए अली हमेशा जिंदा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली सतपारा जो गिलगित बल्तिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और साथ ही साथ पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम K2 की चोटी के ऊपर लहराने के लिए उन्होंने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया, और उनके साथ दो बैरून मुल्क के एक्सपीडिशंस थे, उनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कम लोग होते हैं जो ख़तरे के खिलाड़ी होते हैं और इस ख़तरे के खेल के ऊपर उन्होंने महज मुल्क का झंडा और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए 5 तारीख से उनकी तलाश जारी है। पाक फौज और आर्मी एविएशन बिलखसूस बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस वो कर चुकी हैं और अभी तक ऑपरेशंस उनकी सर्च की जारी हैं, चूँकि वो एक एरिया है बॉटल नेक 400 मीटर के से नीचे है K2 की चोटी से, तो वो उसको डेथ जोन भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और बावजूद इसके विंटर समिट करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पुरखतर इलाका है, एरिया है और ये मिशन है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग तारीख में कम पैदा होते हैं और उनको हम सब मिलके खराज तहसीन पेश करते हैं उसकी टीम को, जिन्होंने K2 के पहाड़ को सर करने के लिए विंटर में उन्होंने बड़ी एक अटेम्प्ट किया, कोशिश की। तो हम सब के दिलों में बिलखसूस बल्तिस्तान, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआगो भी है कि वो जल्द अज जल्द रेस्क्यू हो जाए। बहुत बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पूरा जीवी अली सतपारा का इस हादसे पर अहले इलाका बिलखसूस घर वाले इंतहाई करब से गुजर रहे हैं, तो इस वक्त पूरी कौम उनके अहले खाना के इस करब में बराबर के शरीक है। हमें भी इंतहाई अफसोस है, बहुत सारे मामलों पे अफसोस का इजहार हमें करना भी पड़ते हैं, क्योंकि हम इलाके के नुमाइंदा भी हैं। अली सतपारा बजात खुद मेरा दोस्त भी था, उनके बच्चों के साथ भी इंतहाई मेरी ताल्लुकारी है उनके साथ भी। तो मैं इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि इस ऑपरेशन को जारी रखें, ताकि पूरा अहले इलाका का पूरा निगाह इस वक्त अफवाज पाकिस्तान पर है, कि आखिरी उम्मीद भी अफवाज पाकिस्तान ही है। तो अफवाज पाकिस्तान इस ऑपरेशन को जारी रखें, मगर ना मौत हर एक के साथ है, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। अगर मौत हुआ भी है तो भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हमारी पूरी टीम मेम्बरान आज ऐवान सदर में सदर साहब के साथ मुलाकात की है, सदर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, अली अमीन गंडापुर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अज़राए करम, क्योंकि सबका दौर हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि हसन सतपारा मरहूम भी कौमी हीरो थे, उसके साथ उनके बच्चों के साथ बाद में गवर्नमेंट ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, फिदाली माउंटेनर के साथ भी
बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही है। उस दिन भी हमने सीएम साहब से गुजारिश करके, सीएम साहब ने कुछ उम्मीद दिलाया है फिदा अली माउंटेनियर के बारे में, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिलहाल फौरी तौर पर, अवलन तो हम लोग अलवीनी हैं, सफ़ुई है, तो हम जिंदों की कदर कीमत कम करते हैं, मरने के बाद लोगों की कदर करते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं साबिका हसन सपारा वाला मिसाल कहीं इसके साथ ना हो जाए, अली सपारा के साथ ना हो जाए। तो हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि उनके औलाद के साथ उनको कंपनसेट करने के लिए भरपूर अंदाज में कोशिश करें। तो हम सूबाई गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, हम खुद बजात खुद भी इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इनके बच्चों को कंपनसेट किया जाए। हमारे सामने हसन सरपारा और अली माउंटेनियर मिसाल के लिए हमारे पास है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अली सरपारा के इस कर्ब में भी बराबर के शरीक है। तो हम इनके बच्चों की बच्चों को कंपनसेट करने के लिए हुकूमती सतह पर भी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं इस मौके पर उन भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये फेसबुक पर तरह तरह के गलत प्रोपेगेंडे ना करें, यानी कि इस वक्त पूरा अहले इलाका बिलखसूस सतपारा के गयूर कौम, जो आज तक सतपारा कौम की उस इलाके के अंदर सयाहत के फरोग में पूरा सतपारा कौम का किरदार रहा है, तो मैं पूरा उन कौम से भी गुजारिश करता हूँ और दुआ करें अल्लाह ताला हमें कोई खुशी नसीब हो, क्योंकि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सही सलामत आवाम के बीच में लाए, इंशाल्लाह पूरी कौम को खुशी होगी इंशाल्लाह। बाकी हम भी वादा करते हैं, हम भरपूर अंदाज में साबिका मिसाल को भी मद्देनज़र रखते हुए अली सतपारा और दीगर जो हमारे सतपारा के और पाकिस्तान जीबी के जो माउंटेनियर है उन तमाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए इंशाल्लाह हम भरपूर अंदाज में अपने हिसाब से हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे।